प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। रौनक बज़्म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकबूल साहब नईमी और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब मंजरी, दीगर उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, परदानशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। हजरात, आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका उदाता मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्म सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा और मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर सब हजरात पढ़िए। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, तो आप हजरात पढ़िएगा। पढ़िए, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, सलातु व सलाम अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह, وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله وعلى آل وأصحابي سيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। देखिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इस्लाम एक कामिल दीन है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को तमाम चीज़ों में मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। जो आदमी जो काम भी कर रहा हो, इस्लाम हर एक को बताता है कि तेरी ये जिम्मेदारियां हैं। ताजिर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इस्लाम ताजिर को बताता है। हकीम की क्या क्या जिम्मेदारियां, इस्लाम हकीम को बताता है। डॉक्टर टीचर इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां, इस्लाम इन्हें भी बताता है। हर आदमी को इस्लाम बताता है कि तेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। और आज हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि उसे पता ही नहीं है कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। एक तो उसे मालूम नहीं है कि उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और फिर वो मशवरा भी करता है ना, तो फिर ऐसे बंदे से मशवरा करता है जो उस फील्ड का आदमी ही नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा ड्राइविंग सीखने जाए और वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के बजाय किसी बिल्डर के पास चला जाए, तो क्या वो ड्राइविंग सीख पाएगा? नहीं ना। अगर वो हकीकत में ड्राइविंग सीखना ही चाहता है तो फिर उसे किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर ही जाना होगा ना। मेरे दोस्तों, आज हमारे मुआशरे के अंदर क्या देखा जा रहा है कि शादी के मौके पर लड़के अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं, फिर पता है क्या होता है? जिस आदमी का जिस तरह का जहन होता है, फिर वो उसको उसी तरह का मशवरा देता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक शख्स डिक्टेटर मिजाज का है, उसकी किसी शख्स के साथ बनती नहीं है, वो डंडे के जोर पर काम करवाने का आदी होता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब आप खुद ही सोच लीजिएगा, अगर कोई बंदा उस बंदे से मशवरा ले तो वो उसको यही मशवरा देगा ना कि यार, अगर तेरी बीवी बच्चे तेरी बात ना माने तो डंडा उठा ले और उनकी पिटाई कर, फिर देख वो तेरी बात कैसे नहीं मानते। दोस्तों, याद रखिएगा,
इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने मशवरा ही ऐसे बंदे से लिया है जिसका मिजाज ही इस तरह का है। और कुछ लोग इस मिजाज के भी होते हैं, वो सोचते हैं कि यार बस मस्त रहना चाहिए, बाल बच्चे जो भी करते हैं उन्हें करते रहने दो। मेरे दोस्त, तो अब कोई अगर इस बंदे से जाकर मशवरा ले तो याद रखिएगा, ये भी उसको वही मशवरा देगा ना कि यार तेरी रोटी तो बनती है ना, तो बस तू ध्यान से खाना का मौज कर, उनको छोड़ जो उनके नसीब में होगा उन्हें मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त, आज लोग मशवरा भी लेते हैं तो ऐसे बंदे से, ना अहल लोगों से आज मशवरा ले लिया जाता है। और आप ये भी देख लीजिए, आज जो इस दौर में जो लोग मशवरा भी देते हैं ना, तो वो पहले से इस तरह का मशवरा देते हैं। आप घर के अंदर ही देख लीजिएगा, अगर आपकी कोई बेटी सही से घर के अंदर काम नहीं करे ना, तो उसकी माँ ही उससे कह रही होती है कि जब तू सास के पास जाएगी ना तो तुझे पता चल जाएगा। दोस्तों, यानी पहले से ही उसकी जहन साजी की जा रही है कि सास किसी खौफनाक चीज का नाम है। सोचने की बात है ना, आप जिन लड़कों की शादी नहीं है, आप उनसे जाकर मालूम कर लीजिएगा, उनके घर वाले ही उनसे कहते हैं कि बेटा जब तेरी शादी होगी तो तुझे पता चल जाएगा। उसके दोस्त भी उससे यही कह रहे होते हैं, उसके रिश्तेदार भी, तमाम के तमाम उससे दोस्त यही कह रहे होते हैं। कोई कहता है कि जब तेरी शादी होगी तो तुझे पता चल जाएगा, कोई कहता है कि जब तेरे घर में कालो बाले वाली आएगी ना तो तुझे पता चल जाएगा। बात दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं है।